बिग बॉस के घर के अंदर बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, दोस्ती, दुश्मनी, प्यार, नफरत, और ऐसा ही एक रिश्ता घर के अंदर बना जो सारे के सारे फैंस को काफी पसंद आया। इनके दोस्ती को, इनके प्यार को नाम दे दिया प्रानिशा का। बात करते हैं प्रानिशा के बारे में इन दिस वीडियो। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, घर के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले शमिता और निशान प्रतीक की बिल्कुल भी आपस में बनती नहीं थी। अगर आपने OTT सीजन फॉलो किया है तो काफ़ी एंड एंड में शमिता जो है प्रतीक एंड निशान से बात करने लगी थी, काफ़ी अपोजिट में थे। लेकिन जब से इन्होंने सीजन 15 में एंट्री ली, OTTians ने एंट्री ली, उसके बाद धीरे धीरे जो है इन तीनों का बॉन्ड बनता हुआ नजर आया। और इन्हीं के बॉन्ड के बारे में प्रतीक ने एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से दिए गए इंटरव्यू के अनुसार उन्होंने कहा है कि मैंने कभी भी जिंदगी में नहीं सोचा था कि शमिता शेट्टी जैसी इतनी बड़ी हस्ती से मेरी कभी दोस्ती हो पाएगी। मैं और निशांत एक दूसरे को जानते नहीं थे, हमें नहीं पता था कि हम दोस्त भी बनेंगे, हमारी काफ़ी अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन जिस तरह से हमने बॉन्ड किया है ये जिंदगी भर की हमारी दोस्ती है। और यू नो, वो जो लोग हमारे साथ सुख में होते हैं वो तो डेफिनेटली अपने होते हैं, लेकिन जो लोग दुख में अपना साथ दे वो हमें चाहे जो हो जाए कभी नहीं छोड़ते। जब मैं रोता था तब मुझे रोता हुआ देख शमिता एंड निशान के भी आंखों में आंसू आए हैं, और अगर निशान की शमिता में से कोई भी रोता तो हम बाकी दो जन के आंखों में भी आंसू आते थे। और तभी हमें पता चला कि हमारी ये जो दोस्ती है इतनी ज़्यादा गहरी बन गई है। कभी नहीं सोचा था हम दोस्त बन पाएंगे, लेकिन अब ये दोस्ती जो की है वो जिंदगी भर निभाएंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हम तीनों को अलग नहीं कर सकती, हम तीनों की दोस्ती इज गोइंग टू बी फॉर लाइफ टाइम। इन्हें प्यार से प्रानिशा प्रतीक शमिता, प्रतीक निशान शमिता के नाम से जाना जाता है, और प्रानिश भी एक काफ़ी पॉपुलर नाम है निशांत और प्रतीक का जो फैंस ने दिया हुआ है। इसके बारे में भी प्रतीक ने बात की है। इनफैक्ट उनके पहले, इससे पहले जो उनका रियलिटी शो था एस ऑफ स्पेस, वहाँ पे निशान दानिश एंड निशांत की दोस्ती, दानिश एंड प्रतीक की दोस्ती को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और उन्हें प्रानिश का नाम दिया गया था। दानिश वेल अभी इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उन्हीं का मेंशन करते हुए उन्होंने कहा कि एक वो शो में मुझे प्रानिश मिला था और अब इस शो में भी मुझे प्रानिश मिला है, और अभी शाह भी आ गया है तो हम इस तरह से प्रानिशा बन गए हैं, और लाइफ टाइम हमारी ये जो दोस्ती है हमेशा रहेगी, इकट्ठा हम रहेंगे। और गाइज, जो प्रानिशा के फैंस हैं आपको क्या है कहना इनके दोस्ती के ऊपर? डोंट दिस गाइज गिव रियल #relationship goals? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? नीचे कमेंट करके बताइए। आई सी यू गाइज सून, बाय बाय।